साल मात आती नहीं है, लेकिन इस बार जब चांसेस नहीं था क्योंकि टूल हाईवे बनने की वजह से हम लोगों को लग रहा था कि माँ इस बार नहीं आ पाएंगे, लेकिन माँ गंगा है, उनकी छोटी बहन है, हर साल किसी न किसी रूप से आ ही जाती है। हमको लगता है जहाँ तक कि जो पुल बना हुआ वहाँ से रिश्ते हुए कारण दीवार को रिश्ते हुए वो पानी अभी तक इंफ्लास हुआ है और अंदर तक अभी फिलहाल चला है, जिसमें पंडाओं को भी पूजा करने में काफ़ी दिक्कत होती है, आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफ़ी दिक्कत मुसीबत हो रही है। और उम्मीद है कि अगर ज़्यादा पानी अगर बढ़ता है मंदिर को पट बंद करना पड़ेगा। पवन पंडा सिंगारी जो जल स्तर भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ये पानी जो है कल रात में ही पानी मंदिर में प्रवेश कर गया, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया। जब आरती करके हम लोग निकले मंदिर के गर्भगृह से तो देखे जल का दिन जो है दिन मतलब स्तर बढ़ते जा रहा था और बढ़ते बढ़ते गर्भगृह में प्रवेश कर गया। जब हम आरती करके निकले तो कुछ देर पहले यहाँ से थोड़ा पानी था, उसको जब सुबह में आए तो देखे पूरा पानी जो है यहाँ बढ़ गया था। उसके बाद जो है ये परंपरा आज से नहीं हजारों साल से परंपरा चलते आ रहा है। माता गंगा जो है माता सती का जल अभिषेक करती, उनका नेत्र का अभिषेक करने के लिए आती है। ये परंपरा सदियों से चलते आ रहा है और गंगा माँ और चंडी माँ का हमेशा मिलन होते रहता है। और ये है जब गंगा का अक्षर जब बढ़ती जाती है पूरा मंदिर जो है गंगा से डूब जाती है, मन माँ का नेत्र जो है डूब जाता है और हम लोग जो है पूजा पाठ आरती का अनुष्ठान बाहर से करते हैं। लेकिन इस बार जो है हम लोग पंडा समाज हम अपना पर्सनली बता जानकारी दे रहे हैं कि कभी जो है यहाँ गंगा आरती नहीं हुई थी, तो इस बार माता चंडिका का भी आरती होगी और माता गंगा की भी आरती हम लोग समस्त पंडा समाज करेंगे। ये जब गंगा का और स्तर बढ़ जाएगा, जब माँ का नेत्र स्पर्श हो जाएगा तब ये जो है हम लोग पंडा समाज मिलकर माँ का विशेष आरती गंगा माँ के नाम से और चंडी माँ के नाम से मंगल कामना के लिए, जगत कल्याण के लिए और सभी कामना के लिए प्राप्ति के लिए माँ का गंगा विशेष पूजा हम लोग करेंगे इस बार। नंदन बाबा मुख्य पुरोहित चंडिका स्थान न्यास समिति।